मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक सर्जरी के बारे में बताना चाहूंगा। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी घुटनस टाइट हो जाए, इसे कहते हैं टाइट टीए। अब मित्रों, होता ये इसलिए है कि कुछ बच्चों में कारणवश होता है, जेनेटिक तौर पर है, या कुछ लोगों में आगे चलकर कोई इन्फेक्शन है इसके कारण हो जाता है। मित्रों, ये बहुत छोटी सी सर्जरी है, पुनः आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ हाथ की सफाई है और आपकी घुड़नस को बढ़ा दिया जाता है, जिसके लिए आपको एक सामान्य 4600 रुपए लिए जाते हैं। अब बड़े शहरों या जगहों पर एक अलग अलग दाम है भाई, उनके अपने सेटअप हैं, मगर ये बड़ी आसान सी मेथड होती है और इसमें कोई चीरा नहीं लगता है। ये बड़ी आसानी से सर्जरी हो जाती है। मैं आपको इस सर्जरी के बारे में आज दिखाना चाहता हूं कि घुड़नस, यदि आपके बच्चे में ऐसी दिक्कत हो कि उसकी एड़ी जमीन पर ना हो, तो इसी प्रकार से उसकी सर्जरी की जाती है। तो मित्रों, यहाँ स्टरलाइज करने के उपरांत इस पैर में थोड़ा सा यही टाइट वाली चीजें हैं, तो जैसे ही ये रिलीज होगी, अपने आप स्टैंडर्ड को बढ़ जाना है। अब इसे कई डिफरेंट सर्जन अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग इसको क्या करेंगे, देखिए जैसे पांव बिल्कुल ऐसे हैं, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। कुछ लोग इसमें बहुत लंबा सा चीरा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। बच्चे अगर 12 साल तक या 13 साल तक के हैं तो बड़े आसानी से ये बढ़ जाती है टेंडन। अब मित्रों, इसमें मेथड कुछ ऐसा होता है, हम लोग इसमें करते क्या है कि टेंडन को रिलीज कर देते हैं, इधर से आ जाइए थोड़ा। अब इसमें मित्रों, बगैर किसी चीरे के ये सर्जरी कर दी जाती है। हम लोग इसको पित करने की एक तरीके से विधा में मानिए 11 नंबर की ब्लेड से होती है। जैसे ये अंदर गया तो इसको हमें कोई कट नहीं करना, इसको इसी के ऊपर घुमा देता है, मूव कर देना है एक ऐसे। फिर देखिए, कोई ब्लडलेस सर्जरी है, कोई ब्लड नहीं निकलता है। फिर इसके नीचे ऊपरी भाग में आते हैं हम लोग प्रॉक्सिमिटी पर, और फिर इसे भी कट कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे टेंडन ऑल ऑफ सडन बढ़ गया। ये टेंडन की कॉन्ग्रुइटी भी टूटी नहीं। अगर आप पैर को देखें तो पैर का तलवा ऊपर आ गया। तो मित्रों देखिए, एक ड्रॉप भी ब्लड हमारा नहीं लॉस होता है। अब अगर मैं यहां से इसको चीरूं, फिर इसको सीलूं, तो ये दाम 4600 नहीं हो सकता है, तब ये 25,000 से 30,000 होगी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये सर्जरी बेहद अच्छे से हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू आप अपना नाम बताइए। गुड़िया। मेरा बेटा, ये आपके पैर की तकलीफ कब से है? बचपन से। अच्छा, तो फिर आपने इलाज में देरी हुई।
माता पिता ने बहुत नहीं दिखाया कहीं कि आपने कहीं डॉक्टर सब लोगों को दिखाया था? अच्छा, मतलब जूतवा जब पहनाए तो उंगलियां कट गई तो जूतवा बहाई नहीं बेटा, वो बहुत सख्त होता है। मगर चलिए कोई बात नहीं, आज आपका पैर सही कर दिया जाएगा। थोड़ा मेरा बेटा चल के दिखाइए, आगे आइए आइए, अब वापस लौट जाइए, दीवार तक वापस लौट जाइए। ठीक बेटा। मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज पुनः बता रहा हूं, कई बच्चों में जो पैर जन्मजात टेढ़े रहते हैं, माता पिता की अनभिज्ञता या उनकी परेशानी के कारण भी कई बार इलाज नहीं हो पाता है। तो कई बार आगे चल करके इसी पैर को हम लोग निग्लेक्टेड सीटी भी कह देते हैं, मतलब पैर ही आपने इलाज से ही मरहूम हो गया बच्चा। तो जैसा कि मैं इस बच्चे के बारे में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा बड़े उम्र का भी हो और उसका पैर तिरछा हो, टो वॉकर हो, मतलब अपने अंगूठों पे चल रहा हो, तो भी वो चीजें बहुत सुंदर तौर पे सही कर दी जाती हैं। तो मित्रों आइए आज इस सर्जरी के बारे में जानें और इस मिथ को, ये ग्रहण हो गया और ये सारी चीजें हो गई, ये थोड़ी अब आस्था विश्वास की बात है, सब मानिए, मगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जरूर आइए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके पैर को सीधा किया जाता है। तो मित्रों आइए, मित्रों जैसा आप इस पैर में देख सकते हैं कि इस पैर में ये सिर्फ दो जमीन पर पड़ रहा है। अब आप देखिए इतना टाइट ये टेंडो कैलिस है कि अगर इस पांव को मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करूं तो देखिए कितना टाइट है। अच्छा, ये चीजों में कई बार अगर बहुत निग्लेक्टेड हो जाएगी तो बोनी भी इंजरीज हो जाती है, माफ करें इंजरी क्या, डिफॉर्म्ड हो जाती है। तो जैसे हम लोग टीए को बढ़ाएंगे ये अपने आप पंजा ऊपर चला जाता है। तो मित्रों यदि आपके बच्चे या किसी में भी हो तो ये कोई सर्जरी बहुत महंगी नहीं होती है, इसका सामान्य 4600 रुपए दाम होता है और अगर इसे बहुत आसानी एक्सपर्ट हैंड्स में की जाए तो और अच्छा रिजल्ट आता है, जैसा मित्रों अब आप इसमें देख पाएंगे। चलिए राखी जी पकड़िए, बीच में रखिए। मित्रों इसमें बड़ी प्रोमिनेंट टेंडन है तो कुछ करना नहीं है, हम लोग बस पिथ मेथड टाइप से जा करके अंदरूनी तौर पर देखिए मित्रों एक इसमें क्वालिटी है, हमें नहीं इधर कट करना है, बस हमको एक जगह रखना है और इसको इसी के ऊपर मूव करा देना है, आधा कट कर गया, इसे निकाल लेना है। फिर हम अपोजिट साइड के भी टेंडन को कट कर देंगे। अब मित्रों देखिए अब टेंडन स्लाइड होगा, धीरे धीरे मूव करिए, दिखता बहुत सही है। मित्रों देखिए पूरा पैर स्लाइड कर गया। अब अगर आप टेंडन की हाइट देखें तो ये टेंडन कट नहीं है, देखिए आधा टेंडन मूव करके यहां आया है, आधा टेंडन का हेड यहां चला गया है। तो इस तरीके से ये चीज जो अभी पांव नहीं आ रहा था मित्रों, अब ये चीजें अपने सामान्य तौर पर ऊपर आ गई। अच्छा, कोई भी बोनी चीज यहां बहुत परेशान नहीं कर रही है, इसलिए बोनी किसी चीज को नहीं करना है। ऐसी चीजों में कुछ दिनों के लिए हम लोग प्लास्टर बांध देते हैं और फिर ये चीज सही हो जाता है। अभी देखिए इजी गोइंग में हम लोगों का पैर इतना आ जा रहा है और इसमें थोड़ी सी फेसिया भी चेक कर लेनी होती है, प्लांटर फेसिया, देखिए ये भी बहुत टाइट है, इसको भी कट कर देने के बाद ये और सुंदर पैर ऊपर आ जाएगा। मित्रों इसमें देखिए इत्तफाकन है, पकड़िए प्लांटर फेसिया भी कट कर दूं। मित्रों इसको जैसे हम लोग कट करेंगे, प्लांटर फेसिया भी बहुत टाइट है, मित्रों आप देखिए प्रोमिनेंटली आपको दिख रही है ये, इसको भी प्रिक मेथड है, देखिए ये भी रिलैक्स हो गई। अब देखिए हम आपको प्रोमिनेंसी नहीं दिखेगी। अब इस तरीके से ये पैर बहुत सुंदर सा छोड़ दीजिए राकेश बाबू, अगर मैं एक फिंगर से बस इसको ऐसे कर दूं तो देखिए अपने नॉर्मल बैलेंस स्थिति में आ गया, मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई किया है। अब आप इसमें देख सकते हैं ना, कोई ब्लड यहां निकला ना कोई ब्लड यहां, अब थोड़ा तो आता ही है बट कोई भी इतना भी ड्रॉप ब्लड नहीं आता कि ब्लड चू सके। तो इस तरीके से ये बच्चा जो इतना परेशान था आज से बहुत शानदार रहेगा। हाँ, कुछ दिनों इस बच्चे को एक प्लास्टर लगा दिया जाता है, आप प्लास्टर पे चलिए
ताकि ये चीजें बिल्कुल पहले से शानदार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो मित्रों इस तरीके से आपने देखा कि एक बच्चे में जो निग्लेक्टेड सीटीवी बचपन में रहा होगा उसके पैर को बहुत शानदार तरीके से सही कर दिया जाता है। दुख का विषय रहा कि इन्होंने अपना इलाज प्रॉपर समय पर नहीं कराया और इस तरीके से इनकी टेंडोकाइलिस और प्लैंटर फेसिया दोनों बहुत टाइट थी, जो मिनिमम 11 नंबर के ब्लेड से काम हो जाता है मित्रों, और एक्सपर्टीज होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ब्लीडिंग होती है, इसमें कोई मैसेज चीरा नहीं लगाना होता है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।